देश के कई हिस्सों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात का तो बुरा हाल है। क्या अहमदाबाद, क्या सूरत और क्या बड़ोदरा, हर जगह सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं सड़कों पर पानी भी भरा हुआ है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आज भी तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज बारिश और तूफान की भी संभावना है। वहीं सुरेंद्रनगर, अमरेली, गिर और सोमनाथ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, महेशाणा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, भावनगर, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा के साथ ही गुजरात के अन्य छोटे जिलों में भी हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से कृष्ण नगरी, द्वारका का भी बुरा हाल है। पिछले दो दिनों से हो रही भयंकर बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। NDRF इंस्पेक्टर मंजीत ने कहा कि पिछले दो दिनों में द्वारका में भारी बारिश हुई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हमारी टीम ने अब तक 95 लोगों को रेस्क्यू किया है। गुजरात के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं बड़ोदरा में लगातार भारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। बड़ोदरा में कीर्ति मंदिर सरकारी क्वार्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति में कई लोग फंसे हुए हैं। बारिश से संबंधित घटनाओं में 1900 लोगों की मौत हो गई है, जिससे तीन दिन में मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में बुधवार को लगातार चौथे दिन भी भारी बारिश रही। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 17,800 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जान गंवाने वालों में 7 लोग शामिल हैं, जो रविवार को मोरबी जिले के हलवत तालुका के धवना गाँव के पास एक पुल को पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली के बह जाने के बाद लापता हो गए थे। इस पुल से होकर पानी बह रहा था। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ोदरा में बारिश थमने के बावजूद शहर से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जलजमाव हो गया और इमारतें, सड़कें और वाहन पानी में डूब गए। गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत करके स्थिति का जायजा लिया और इस संकट निपटने के लिए राज्य को केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बुधवार को सौराष्ट्र क्षेत्र के देवभूमि, द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जैसे जिलों में शाम 6 बजे तक 12 घंटे की अवधि में 50 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई। इस अवधि के दौरान देवभूमि, द्वारका जिले के भानवत तालुका में 185 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक है। IMD ने गुरुवार को सौराष्ट्र जिलों के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ का पानी कम होते ही बड़ोदरा शहर में सफाई उपकरण तैनात किए जाए और कीटाणु नाशक का छिड़काव किया जाए कि इस उद्देश्य के लिए अहमदाबाद और सूरत के नगर निगमों और भरूच और आनंद की नगर पालिकाओं से टीमों को बड़ोदरा में तैनात किया जाए। मुख्यमंत्री ने बड़ोदरा में बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता के लिए NDRF की 5 अतिरिक्त टीमों और सेना की 4 टुकड़ियों को तैनात करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद और सूरत से बाढ़ प्रभावित शहर में अतिरिक्त बचाव नौकाएं भी भेजी जानी चाहिए।